हाय गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं पेंसिल कलर की बेसिक टेक्निक्स। पेंसिल कलर तो आप सब लोग यूज करते हैं, लेकिन उसकी बेसिक टेक्निक्स नहीं जानते हैं। तो आज हम उसी बारे में देखेंगे कि उनको कैसे यूज करते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ नटराज की 12 कलर पेंसिल्स। आप चाहे तो कोई भी यूज कर सकते हैं। आप डोम्स की भी वाली कलर पेंसिल यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं नटराज की कर रहा हूँ, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी फर्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फुल प्रेशर, जिसमें आपको फुल प्रेशर के साथ करना होता है। अपना पूरा प्रेशर एक जगह पर लगा देना होता है, इसे बिल्कुल वाइट ना छूटे। ओके, तो ये है फुल प्रेशर, इसमें भी एक भी वाइट पोर्शन नहीं छूटना चाहिए। सो ये थी अपनी डार्क टेक्निक, जिसमें हमें बिल्कुल एक भी वाइट पोर्शन नहीं छोड़ना है। होती तो पेंसिल कलर की 8 बेसिक टेक्निक से, पर यहाँ पर दो जो मेन होती हैं, जो हम हर कोई यूज करता है, वही मैं आपको बताऊंगा। और बढ़ते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ। तो दूसरी टेक्निक बिल्कुल ही लाइट प्रेशर, बस आपको ऐसे पेंसिल कलर को पकड़ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे आपको चलाना है पूरे में, ऐसे ऐसे लाइट कलर से। तो जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। सो सेकंड टेक्निक थी हमारी बिल्कुल ही लाइट प्रेशर। एक थी बिल्कुल डार्क प्रेशर, एक भी वाइट पोर्शन है और एक लाइट प्रेशर है। दोनों बराबर हैं, लेकिन डार्क ज़्यादा यूज़ होती है हर चीज़ के लिए। और थर्ड टेक्निक है ब्लेंडिंग, जो कि सबसे मेन होती है पेंसिल कलर्स में, ब्लेंडिंग। ओके, सो ब्लेंडिंग भी हम करेंगे। सनसेट एक चूज़ किया है, तो जल्दी से सनसेट के कलर फिल करते हैं। बिल्कुल ही आपको पहली लेयर चढ़ानी है, बिल्कुल ही लाइट लाइट, जैसे ये वाला है, बिल्कुल लाइट प्रेशर से पहली लेयर चढ़ानी है। तो जल्दी आपको चढ़ा के दिखाते हैं। सो हमने जैसे तैसे करके फर्स्ट लेयर चढ़ा दी है सनसेट के बेसिस से कलर यूज़ करके, जैसे कि ऑरेंज, येल्लो और रेड। देख लीजिए, पहले रेड, ऑरेंज, येल्लो, ऑरेंज, रेड। ओके, सो रेड को आप थोड़ा डार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क आप कर सकते हैं रेड। उसके बाद आते हैं अपने मेन पॉइंट ब्लेंडिंग पे। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके सेकंड लेयर पे बिल्कुल ही डार्क डार्क चलाना है एक एक को। सो आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि ये रेड किया है, आपको ऑरेंज भी नीचे इसी तरह से फिल करना है, बिल्कुल ही फुल प्रेशर में। सो मैं ऑरेंज भी इसी तरह फिल करना है, बिल्कुल ही फुल प्रेशर में। उसके बाद आपको ब्लेंडिंग दिखाएंगे कैसे होगी। जब आप लोग ये फिल कर लेंगे तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, आपको लग रहा होगा ब्लेंड नहीं है। फिर जो आपका ऑरेंज पेंसिल है, उसको आपको रेड में इस तरह से मर्ज करना होगा। अपनी ऑरेंज कलर पेंसिल को रेड कलर पेंसिल में बिल्कुल ही ऐसे ऐसे मर्ज कीजिएगा। जब आप ऑरेंज को मर्ज कर लोगे, तो रेड को भी उसी तरह ऑरेंज में आपको मर्ज करना है। ये ब्लेंड तो हो गया, पर हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पर येलो यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं पूरी तरह से करने के लिए हाईलाइट, बट मैं यहाँ पर येलो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आप देख ही रहे होंगे कितने अच्छे से ऑरेंज और रेड बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मर्ज हो गए हैं। आप हाईलाइट के लिए वाइट का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर येलो का यूज़ किया है इनको हाईलाइट करने के लिए। अब येलो को भी आपको इसी तरह से फिल करना है, पहले डार्क टोन उसके ऊपर से मर्ज कर देना ऑरेंज और रेड को। चलिए इसको भी कर लेते जल्दी जल्दी। आप जब येलो फिल कर लोगे, उसके बाद आपको ऑरेंज कलर लेना है, उसके बिल्कुल लाइटली लाइटली आपको उसमें मर्ज करना है। तो आप इसको भी जैसे जैसे कर लीजिए थोड़ी देर में। आपको ऑरेंज को मर्ज करने में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, पहली लेयर आपको बिना प्रेशर के चढ़ानी होगी। जब आप लोग ऑरेंज की पहली लेयर चढ़ा लोगे, उसके बाद आपको थोड़ा डार्क टोन में आपको और येलो के ऊपर ऑरेंज चढ़ाना है, थोड़ा डार्क टोन में। सो आप लोग देख ही रहे होंगे कितने अच्छे से मर्ज हो चुका है ये भी, बिल्कुल अच्छे से येलो को हमने मर्ज कर दिया है। तो नीचे के कलर्स को भी ऐसे जैसे तैसे जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो फिर से हमने ऑरेंज फिल कर लिया, और जैसा कि पहले मैंने बताया था, फिर से आपको उसको येलो में हल्का हल्का मर्ज करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको फिर से एक डार्क टोन चढ़ाना होगा लाइट के ऊपर से। तो देखिए हमारा ऑरेंज कितने अच्छे तरीके से येलो में मर्ज हो चुका है। अब आखिरी कलर जो कि है अपना रेड कलर, तो जल्दी से इसको भी मर्ज करके दिखा देते हैं। सिंपल सी बात है, फिर से हमें डार्क टोन देना है। डार्क टोन देने के बाद आपको फिर से लाइटली लाइटली मर्ज कर लेना है इसको। फिर जल्दी से करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, आप लोग ये देख ही सकते हैं कि हमने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से दो टेक्निक्स का यूज़ करके बिल्कुल अच्छे से स्मूथली बिल्कुल इसको ब्लेंड कर दिया है। ये बिल्कुल एक सिंपल सा ब्लेंडिंग टेक्निक है, लाइट डार्क लाइट, एज एनी टोन्स का यूज़ करके आप बिल्कुल आराम से अपने ऑयल पेस्टल्स जैसे स्मूथ ब्लेंड कर सकते हो।
सो पेंसिल कलर्स की एक और टेक्निक है जो कि मेन तो नहीं है लेकिन उसका भी बहुत यूज़ होता है, जिसका नाम है हैचिंग। हैचिंग टेक्निक बस आपको ऐसे ऐसे एक लाइन खींचनी होती है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो जल्दी जल्दी आपको इसे करके दिखाते हैं। सो हैचिंग टेक्निक कुछ इस तरह से इस्तेमाल होती है, इसका एक रूल होता है। जैसे आपने कोई ड्रॉइंग बनाया, अगर आप उसके हेड एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऊपर से नीचे लाइन खींचनी है, और अगर लेग से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नीचे से ऊपर खींचनी होती है। सो गाइस इतने कुछ था हमारे ट्यूटोरियल में, और ये ब्लेंडिंग तो आपको बहुत ईजी तरीके से आ ही गई होगी। ओके अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओह एक सेकेंड गाइस, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।